सच कहिए मेहर साहब, आप मुझे देखकर मुस्कुराते हैं या जोरा को याद करके? ओए, अगर मैं कहूं कि जोरा को याद करके तो क्या कहोगी अमीरन? तो मैं कहूंगी आप मुस्कुराते नहीं, हंसते हैं मुझ पर। ना, तुझ पे नहीं हंसता मेरा, अपने आप पे हंसता हूं। अल्लाह जानता है, अपने आप पे हंसता हूं। खबर मिली थी, आपने मुझे याद किया और मैं हूं कि खिंची चली आई। याद तो जोरा को भी करता हूं, वो क्यों नहीं खिंची चली आती? उसकी डोर बाली के हाथ से बंधी है मेहर साहब, टूट नहीं सकती। इतनी देर में चाहे हुक्म टूट कर बिखर जाए। अपने आप को संभालिए मेहर साहब, इस तरह नहीं टूटते कि अपनी किर्चियां अपने पैरों में चुभे और तकलीफ बढ़ने लगे। तकलीफ को बढ़ने दो अमीरन, तकलीफ को बढ़ने दो, ताकि दर्द इतना तो हो जाए कि जोरा के दरवाजे पर जाते हुए डर ना लगे। बाली से डरते हो? ना, बाली से नहीं डरता अमीरन, अपने आप से डरता हूं। वो नजर भर के देखती है, उसकी नजर से डरता हूं। उसके गुस्से पर गुस्सा आता है मुझे, उस कुफर से डरता हूं। ओए बाली के नाम से नाम जुड़ा है उसका, ये सुनकर सबर करता हूं अमीरन, उस सबर से डरता हूं। और मैं आपके अब्बा जी से डरती हूं। अब्बा जी से सारे रिश्ते तोड़ ताड़ के, कार छोड़ छाड़ के यहां आ गया हूं। मतलब अब्बा जी अब उधर नहीं आएंगे? ना, अब्बा जी अब उधर नहीं आएंगे। अब्बा जी को पता चल गया है, हुक्म रुस गया है, वेला खुस गया है। रुस नहीं गया, खुश गया है। मेरा हुक्म खुश गया है मुबारका। मैं जाऊं कहां?
उसे मनाने। और तुझे तो देखते ही चपेड़ कट के तेरे मुंह पे रख देगा। मैं कहूंगा एक और मार ले भैया। अल्लाह जानता है मुबारका, वो एक और मार देगा। इसका मतलब है अब वो वापस हवेली नहीं आएगा। वो कहता है लिख के रख लो अब्बा जी, वापस नहीं जाऊंगा। जूनी बांगड़िया वाला के पास गया बाजी, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। हुकम मेरा पुत्र है पर अच्छा आदमी वो भी नहीं है। कोई नवा चंद चढ़ गया तो बची कुची जेल थाने में गुजरनी है बाजी। वापस लाए उसे। मुलजम पकड़ा जा सकता है मुबारका, आशिक नहीं पकड़ा जा सकता। शोदा आशिक हो गया है, आशिक हो गया है शोदा। ओए, गुमसुम क्यों है? चुप क्यों लगी है तुझे? हिसाब कर रहा हूं। कोई खर्चा कर लिया? खर्चा नहीं किया, करना है। क्या खरीदेगा? सोचता हूं थोड़े पैसे बन जाए तो बाली खरीद लो। बाली? आओ। खरीद कर क्या करेगा उसे? खरीद कर जोरा को तोहफे में दूंगा। जोरा को उसकी लोड़ नहीं है? और लोड़ उसे बड़ी है मौजू, पर उसे वो बाली नहीं चाहिए जो इश्क की तमड़ियों से खरीदा नहीं चाहता। आया तेरा बांगड़िया वाला? कम यहां रहने के लिए आया बाली, और उसका कहा मैं टाल नहीं सकता। और अगर तू मेरी मजबूरी नहीं समझ सकता तो मान ले कि तू भी वफादार नहीं। मुझे भी तेरा पार नहीं है जूनी बांगड़िया वाला। मेरे दुश्मन को पनाह देने वाला दुश्मन है मेरा। पनाह नहीं दी उसे बाली, मालक को नौकर के घर आने की दावत दी है। और तेरे मालक की ऐसी की तैसी। जबान को लगाम दे बाली। मेरे और तेरे सौदे में पहली शर्त तेरी वफादारी है बाली।
और वफादार कभी तेरी तरह ऊंचा नहीं बोलता। तुमने अभी मेरा ऊंचा बोलना सुना ही कहाँ है बांगड़िया वाला? ऊंचा ना बोल, सौदे की शर्त पढ़ और सौदा करने वाले की मजबूरी देख वाली। दो दिन देता हूं तुझे हुक्म की खिदमत शिदमत करके वापस भेज दी उसे, वरना किरबान से पकड़कर कारों से मैं छोड़ूंगा। सामने खड़ी कान के साथ पैर नहीं डालते बाली, वैसे भी अब वो कम नहीं रहा। इसलिए तो जिंदा है बांगड़िया वाला, वरना तेरी दावत जोगा तो उसने रहना ही नहीं था। हाँ, इंज नहीं लगता जिवें नसीबों में लिखा है कि एक कोई जगह पर हमें बार बार मिलना है, बस एक कोई जगह एक नहीं। ओए शोध्या, तुझे नसीब पढ़ने आते तो बाली को देखकर तू लुक छुप न जाता। हाथों की लकीरों को जोड़, पढ़ नहीं सकता तो किसी से पढ़ाओ। जहां तेरी जिंदगी मुक्ति है वहां तेरे हाथों की लकीरों पर बेपंती है, बेबाली। चल झूठा और झूठ ना बोलिया, बेबाली से हे हुक्म नहीं मरता। ओए हथियार चुक के सामने आओ हुक्मा। बाली तुझे वख वख ना कर दे तो बाली मेरा नाम नहीं। ओए ओए बाली, हथियार मैं उस जान की दुश्मन के पैरों में रखाया। मौत से बचने का बहाना ढूंढता है तू। और नहीं होए, वो दिन गए जब मैं मौत से बचने का बहाना ढूंढा करता था, अब तो मौत से भी मौत मंगो तो नहीं मिलती। यारा बांगड़िया वाला को दो दिन की मोहलत दी है, सिर्फ 2 दिन। अपना टीन कनस्तर चुक के जहां से आया वहीं चला जा पंगिया, वरना सौदे की सारी शर्तें बदल जाएंगी। हुक्मा बदल जाएंगी।
अल्लाह की कसमें, अब तुझे देखता हूं, तेरी बातें सुनता हूं तो तुझ पे प्यार आता है। अल्लाह की कसमें, तुझ पे प्यार आता चल है। चल चल रहने दे। यावर साहब, आप मुझे देखकर तेरी आवाज में दम क्यों नहीं रहा बांगड़िया वाला? आवाज की बात नहीं है यावर साहब, हुक्म की बात है। हुक्म किसका है? मैं हुक्म की बात कर रहा हूं यावर साहब। मेरी हुक्म कहां से आ गया? बड़े मेहर साहब से लड़के आया यावर साहब, और बहुत गुस्से में है वो। यहां क्या कर रहा है? आप तो जानते हैं यावर साहब कि मुझ पर हुक्म चलता है। लगता है तेरी मौत आई है। जबान बोल उसे, यावर कमाल आया है। झगड़ा हो जाएगा यावर साहब, उसे नहीं बुलाएगा, उसे नहीं बुलाएगा तो झगड़ा तुझसे होगा। बाहर यावर कमाल आया, मिलना चाहता है आपसे। यहां क्या लेना है? उसका यहां आना जाना होता रहता है।
अंदर बुलाओ उसे। अंदर बुलाओ। ठहर, मैं वहीं मिलता हूं उसको। ये ना समझना यावर कमाल के तेरे हुक्म से हुक्म तुझे मिलने आ गया है। बड़े दिनों से तेरी शक्ल नहीं देखी यारा, तेरी शक्ल देखने आया हूं। वे कैसा है तू? तू बोल, तू कैसा है? ओ इश्क की सूली पे चढ़ गया हूं यावर कमाल, इश्क की सूली पे चढ़ गया हूं। और तुझे बताऊं, अब ढूंढने से भी तू हुक्म को ढूंढ नहीं सकता। तो ये बोलना, मरने से पहले मर गया तू? हाँ, मर गया हूं यार कमाल। मर गया हूं यार। ओए वो जो बाली की जोरा है ना, वो हुसना पिटी उसकी आंख के लश्कारे पे मर गया हूं, उसकी आंख के लश्कारे पे मर गया हूं यार। मर गया है तो कहीं दफन चफन हो जा। लुक जाओ गम, लुक जा। तुझे मारने की शौकीन तुझे ढूंढते फिरते हैं। तू बाली की बात करता है? ओए बाली को तो ये कह के मार दिया है मैंने कि मार दे मुझे। बाली को तो यावर कमाल बस ये कह के मार दिया है मैंने। कहीं आमना सामना हुआ उससे? आमना सामना हुआ यावर कमाल? एक दिन आमने सामने तो खड़े थे हम, आमने सामने खड़े थे हम। तो फिर तुझे जिंदा छोड़ दिया उसने? और मैंने तो उसके सामने आंखें बंद कर ली थी। आंखें बंद करके कहा उसे कि बली, और बली मार दे मुझे। पर हो रे, शोदा पिस्तौल डब में रखना भूल गया था। Ha 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 ha!
बहादुर आदमी, बहादुर आदमी। झुके हुए दुश्मन को कभी नहीं मारता। तू ये समझ कि जान बख्शी कर दी उसने तुम्हारी। ना यार, ओए जान तो उसकी बख्शते हैं यारा जिसके कलबूत में जान होती है। तेरी कसम है, तेरी कसमें मैं तो जान जोरा की गली में रख के पुल आया हूं। ओए समझा इसे बंगड़िया वाला, समझा इसे, समझा इसे। कोई जान बचा है तो आवाज दे देकर मौत को नहीं बुलाते। मौत आ जाती है, ओ आ जाती है ना यावर कमाल। ओ यारा आ जाती है तो तू मार दे मुझे। अल्लाह दी कसमें मेरा कत्ल तुझे माफ। बस ये देखना यावर कमाल कि जब तू मुझे मारे तो खून वहां वहां गिरे जहां जहां जोरा पैर रखते। बस ये देखना यावर कुमार कि जब तू मुझे मारे तो खून वहां वहां गिरे, वहां वहां गिरे जहां जहां जोरा पैर रखती है। ओए बंगले वाला, ये हुक्म है या हुक्म का रूप है? इसे संभाल कर रखना, इसे संभाल कर रखना। अब इसका जिंदा रहना जरूरी हो गया है। अब इसका जिंदा रहना जरूरी हो गया है, संभाल कर रखना इसे।
सनम जान, मुझे आवाज दो सनम जान, वरना मैं खड़े खड़े मर जाऊंगी। आज भी प्यार करती हो मुझसे? जान छिड़कती हूँ तुम पर, खुदा की कसम यकीन आने लगा है। बस तुझे देख लिया, अब वापस जाऊंगी। आई हो तो आंखें बिछी, जाओगी तो पैरों में अमीरन की लाश पड़ी होगी। ना कर मीरन, आंखों से आंसू निकल जाएंगे, तेरे सारे आंसू मैं अपनी आंखों में पिरो लूंगी। चल, मैं अपने आंसू तेरी आंखों को देती हूँ। मोहब्बत कितनी भी हो, कोई मरने वालों के साथ मर नहीं सकता। जिस रात उसने दुनिया छोड़ी, मैंने मुल्क छोड़ दिया, मैं भी तो एक तरह से मर ही गई ना। तुम मरी नहीं हो, अब मर जाओगी। अब क्या मरना, जब जान जाने वाले के साथ चलेगी। वो जिंदा होता तो क्या करती? तेरे सर की कसम उसे देखती और मर जाती। तो फिर मर जाओ सनम जान, वो जिंदा है। सुना, हुक्म इसी कमरे में रहता, बगैर इजाजत किसी की ख्वाबगाह में नहीं जाते बाली। तू जिसे हुक्म की ख्वाबगाह कहता है, वो उसकी आरामगाह बनने वाली है। कोई जूनी बांगिया वाला की छत ओढ़ के बैठा हो तो मौत चौथे मले खड़ी जाती है बाली, बुआ टप के अंदर नहीं आती। मौत से पूछ, जहां वो नहीं जाती वहां बाली जाता है। बाली हुक्म आने वाला, दो दिन की मोहलत मुक गई है। तू बोलते हुए सोचता क्यों नहीं बाली कि तू किसके सामने क्या बात कर रहा है? तेरी तो मैं इज्जत करता हूं बांगड़िया वाला, वरना बाली तो कम के मुलाजमों से बात भी नहीं करता। इस तरह सबके सर चढ़ के बोलेगा तो छोटी उम्र में मर जाएगा बाली।
बांगड़िया वाला, एक गल लिख के रख ले, मरना तय भी हो गया तो हुक्म को मार के मरूंगा। ओए बाली, मौत तय हो गई है तेरी।